हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बिट। दोस्तों, आज बात करने वाले क्लास टेंथ वालों के लिए साइंस में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी देखने वाले हैं। वो सभी फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप क्लास टेंथ का छात्र है और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा आगे वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड। और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट और मॉडल सेट लेटेस्ट बैटर्न पर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा www.studybit.in और इस वेबसाइट का लिंक नीचे भी दिया गया है और वहां पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन में क्या करता है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है ना, यानी लेड नाइट्रेट होती है ना, उस चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं कौन सा है? यह धुआं कौन सा होगा फ्रेंड? नाइट्रोजन गैस यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, NO2 गैस का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट को हम यदि हम अलग करते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अब इसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो फ्रेंड्स, एक कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा, यानी क्या होता है? अपघटन यानी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है H2, ऑप्शन नंबर सी में है कार्बन मोनोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में है हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी में है क्या? कार्बन मोनोक्साइड, यानी है ना। तो निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? तो कौन सा हो जाएगा अवकारक? हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जो हम फ्रेंड्स सांस लेते हैं ना, श्वसन यानी किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? शरीर में भोजन का जो पाचन होता है ना, यानी भोजन जो पचता है फ्रेंड्स, वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो कौन सी होती है? ऑक्सीकरण। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं जो इन कुछ क्षण के बाद जो पच जाता है ना, तो इन किस प्रकार की अभिक्रिया के कारण पचता है? वो ऑक्सीकरण के अभिक्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी में कार्बन मोनोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी में है क्या? कार्बन। यानी निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन कौन सी होती है? तो क्या होती है? ये अस्थायी परिवर्तन होता है ना, यानी क्या होता है? वो परिवर्तन होता है लेकिन बाद में फिर उसको हम क्या करते हैं? सही कर देते हैं। जैसे क्या? अस्थाई नहीं है, वो अस्थाई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है दहन, ऑप्शन नंबर बी में है श्वसन, ऑप्शन नंबर सी में है भोजन का पाचन, ऑप्शन नंबर डी में है अवक्षेपण, है ना। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अवक्षेपण हो जाएगा, है ना। ये सभी फ्रेंड्स बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया और बार बार रिपीट होता है। इसलिए आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड को भी हेल्प मिल सके, है ना। यदि इसी तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहे तो गूगल पर सर्च करना है कि www.studybit.in, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2Mg+O2 बराबर क्या होता है? 2MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? जैसे मैग्नीशियम और ऑक्साइड को मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, तो लेकिन वह किस प्रकार की अभिक्रिया है का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? संयोजन, है ना। देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्साइड को हम दोनों को क्या करते हैं? मिला के जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं ना, दोनों को मिक्स करके बनाते हैं ना, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन करना क्या कहलाता है? अंगूर का किण्वन करना क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, तो इस अवक्षेप का रंग कौन सा होता है? लेड नाइट्रेट होती है ना, वो पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बन जाता है, तो यदि उसका रंग यानी किस कलर का हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? श्वेत, यानी क्या हो जाएगा? उजला,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो क्या होगा, H2+Cl2, इसको अभिक्रिया करके क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा ना। हाइड्रोजन और यदि क्लोरीन को मिलाते हैं तो फ्रेंड क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो इस परत का रंग कौन सा होगा? कॉपर चूर्ण को वायु में हम जब गर्म करते हैं ना, तो उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, इसके ऊपर में जम जाती है ना, तो इस परत का रंग यानी किस कलर का हो जाएगा? तो फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, काला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि क्योंकि तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को किस लिए हटाया जाता है, इसलिए उसको क्या करता है, दहन प्रक्रिया किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट को घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न हो जाता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया होता है? तो फ्रेंड्स कौन सा होगा, अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्राप्त करते हैं, तो इस ऑक्साइड का रंग किस कलर का हो जाता है, यानी ऑक्साइड का रंग होते हैं ना, वो किस कलर की हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी उजला हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कोई भी हम अभिक्रिया जब करते हैं, जैसे कि कार्बन और यदि ऑक्सीजन को हम अभिक्रिया करते हैं, जैसे मिलाते हैं, तो अवक्षेप का निर्माण हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? तो फ्रेंड क्या कह सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कर सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, तो फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन। ऑक्सीकारक क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन यानी मिला हुआ नहीं हो। देखिए इसमें बी में क्या है कि ऑक्सीजन मिला हुआ है, सी में क्या है ऑक्सीजन मिला हुआ, और डी में भी है, तो यानी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, तो किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, यानी हाइड्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक समीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है, तो कौन सा होगा, संक्षिप्त रूप होता है, ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या होता है, हमेशा संक्षिप्त रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है कार्बन हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन नंबर बी में है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी में है कैल्शियम। तो फ्रेंड देखिए, संगमरमर का होता है ना, और रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, CaCO3 होता है। ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या होता है, हर बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है? तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात जब बढ़ जाए तो ऑक्सीजन का अनुपात घट जाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में है ना, जैसे कोई भी सामान देंगे, उसमें हाइड्रोजन का अनुपात यदि बढ़ा देंगे और ऑक्सीजन का अनुपात यदि घटा देंगे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो यह निम्न में से कौन सी प्रक्रिया हो सकती है? यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं यानी बनाते हैं, तो फ्रेंड्स यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, प्रकाश रासायनिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाता है? तो क्या हो जाएगा, AgBr, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर को उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन मोनो यानी डाइऑक्साइड
प्राप्त होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं? तो फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी यानी वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। चूना पत्थर को जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फ्रेंड इसको हम क्या कह सकते हैं? वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गर्म क्यूपरिक ऑक्साइड यानी CuO पर H2 गैस हम प्रवाहित करते हैं, यानी CuO पर हम H2 गैस हम डालते हैं, तो वह परत किस रंग का हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में लाल रंग, ऑप्शन नंबर बी में काले रंग, ऑप्शन नंबर सी में भूरे रंग, ऑप्शन नंबर डी में क्या? पीले रंग। यानी क्यूपरिक ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस हम डालेंगे ना, तो फ्रेंड्स वह परत यानी कौन सा कलर का हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? यानी श्वेत सिल्वर क्लोराइड यानी PbCl जो होती है ना, वो सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, तो ऐसा यानी क्यों हो जाता है? तो क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का वियोजन क्या होता है? Ag का Cl में हो जाता है, Ag का Cl में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं? उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में रेडॉक्स, ऑप्शन नंबर बी में उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में है उष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर डी में है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपचयन जो होती है ना, उपचयन अपचयन, वो कौन सी अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन के वायु में जो दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाता है, तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का कौन सा रोल होता है? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण होती है ना, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे जो नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा आगे वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।